हमको आप देख रहे हैं केवल सच्चाई। बेगूसराय में इवनिंग वॉक दौरान पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड कर्मचारी की लाठी डंडे से पीट पीट कर जोखिम कर दिया गया। डीएम परिसर में बैठी महिला और लड़कियों ने एक बुजुर्ग पर लाठी डंडे एवं धारदार सामान से जानलेवा हमला कर दिया है। घायल बुजुर्ग को बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के डीएम परिसर की है। घायल बुजुर्ग 86 वर्षीय शिव पूजन चौधरी नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज का रहने वाला है। बुजुर्ग ने बताया कि रोज़ की तरह शाम को गांधी स्टेडियम में इवनिंग वॉक के लिए जाता हूं। जब मैं हड़ताली मोड़ से डीएम परिसर में प्रवेश किया तो गांधी स्टेडियम की ओर जा रहा था, तो पीछे से एक महिला ने मुझे पत्थर मारा। जब मैंने इसका विरोध किया तो महिला और उसके 2-3 लड़कियों ने मिलकर लाठी डंडे से हमला कर दिया, कर बुरी तरह से जोखिम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 साल से यह महिला डीएम परिसर में खुले आसमान के नीचे रह रही है, लेकिन जिला प्रशासन इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। इस संबंध में डीएम और एसपी से भी कई बार शिकायत स्थानीय लोगों ने किया है, लेकिन जिला प्रशासन के एक भी पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक माने तो आने जाने वाले लोगों का कहना है कि डीएम परिसर में महिला के साथ लड़की लोग देर रात बेवजह घूमती रहती हैं। इतना ही नहीं, लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि गलत कामों में भी यह सब लड़कियां सम्मिलित हैं। हालांकि सभी बिंदुओं पर नगर थाना के पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। हमको घेरा मार के भेजी थी, अब बहुत जोर से चोट लगा था, उससे परेशानी हम क्या वही वही काम करती है। उन्हों क्या करती है? गंजा लेती है, जानते हैं गंजा लेती है, इनर गंजा इनर क्या कहाँ से आया? इलाज में कितने बड़े फोन पे फोट फोट बने वहाँ भी इसमें रह रही थी ना, वहाँ भी मैंने इल्जाम लगा दिया था कि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे। वही कहता और कुछ इल्जाम लगा दिया, ले भी गए थे